YBR 125 2019 मॉडल। हम इसका रिव्यू देंगे, हमने इसको 30,000 किलोमीटर चला लिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसके कितने स्पेयर पार्ट्स चेंज किए हैं और 30,000 किलोमीटर में हमने इसमें क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ देखी हैं। तो चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। इसके ओनर हैं मुबशर इकबाल नकवी साहब, जो आपको इसका रिव्यू देंगे। जी, 2019 मॉडल है और तकरीबन 30,000 चल चुका है। इस पर हमने तीन बड़े टूर किए हैं। पहले साल हम इस बाइक पे जो है वो गए थे कमराट, और 2020 में हम इसी मोटरसाइकिल पे हम जो है वो देवसियाई से होते हुए हम गए हैं इस पे स्कर्दू, और इस साल जो है हम इसी बाइक पे जो है वो गए हैं कश्मीर ताऊबाट तक। और इसमें जो आपकी बाइक आपके सामने मौजूद है, इसमें एक टायर जो है वो पीछे वाला हमने वो चेंज किया है, रेयर चेंज हुआ है टायर। और उसके अलावा इसके जो डिस्क पैड हैं, अगले डिस्क पैड वो चेंज हुआ, उसके अलावा इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। हर चीज़ की जो है वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, अपनी पहली हालत में मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो एवरेज है वो जो आउटस्टैंडिंग एवरेज है, 50+ इसने एवरेज दी है अभी ये टूर्स जो हमने किए हैं इस पर। और नॉर्मली भी तकरीबन यही एवरेज जो है इसकी चल रही है। यहाँ पे ये बाइक जो है इसमें किसी किस्म का कोई इशू जो है मैंने फील नहीं किया, सवाए इसमें एक ये केस बाइक में ये है, चूंकि आपको पता ही है ये 125 वही इंजन है। और सिर्फ इसमें यह है कि लॉन्ग टूर पे जो बंदा पीछे बैठा होता है उसको थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील करता है, वो अच्छा फील नहीं करता। उसके अलावा इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इसकी डिटेल जो इसकी ट्यूनिंग की वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका कार्बोरेटर, इसका सब कुछ जो है वो उसकी वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप वहां से देखें, उसको रिव्यू करें, उसका आपको कैसा महसूस होता है आप कमेंट करें। और मेरे ख्याल में सिवाय इसका कि पीछे जो बैठने वाला है वो थोड़ा लॉन्ग टूर पे वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसके अलावा इसमें कुछ कोई इशू नहीं है, बेहतरीन गाड़ी है।